ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, वो क्या है ना, आर्टिस्ट हूं ना, जब भी कोई खूबसूरत चीज देखता हूं तो बस उसी के ख्याल उमड़ते हैं, और ये ख्याल मुझे सोने नहीं देते। अच्छा, तो इस टाइम आप किसके बारे में सोच रहे हो? वो मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसी भी क्या बात है जो तुम हमें नहीं बता सकते? कम ऑन नकुल, अब बोल भी दो, अभी किसके बारे में सोच रहे थे? आई एम सॉरी भाभी, वो मैं आपको बता नहीं सकता, रात बहुत ज्यादा हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, और अब तुम सोने जा रहे हो? बेड पर जाकर लेटूंगा, शायद नींद आ जाए। एक्सक्यूज मी, गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी, आप आपने क्यों तकलीफ की, किसी और को भेज देते। तकलीफ किस बात की? वैसे एक बात कहें, आपको तो चोट लगी है ना, फिर इस टाइम पे आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वैसे भाभी आप सही कह रहे हो, इसलिए मैं एब्स वर्कआउट कर रहा था ताकि पैर पर प्रेशर ना आए, और आपके हाथों का इतना टेस्टी खाना खाकर कहीं मेरा पेट बाहर ना आ जाए और फिर कोई लड़की मेरे पास नहीं आएगी। तुम जैसे हो वैसे कोई भी लड़की तुम्हें मना तो नहीं करेगी। नकुल, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जी भाभी। क्या? बस एक सवाल। क्या? आपने कहा था कि मुझे कोई भी लड़की मना नहीं करेगी। जब से आपको देखा है तब से मैं आपको चाहने लगा हूं, आप मना तो नहीं करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूं आपको मेरा छूना पसंद है, जैसे मुझे पसंद है। मैं जानता हूं आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे मेरी हो जाती है। मैं जानता हूं आपका मन कह रहा है सारे बंधन तोड़ दूं, जैसे मेरा कह रहा है।